हेलो फ्रेंड्स, आई एम एलपी राकेश। वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ मेरा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी ए टू जेड इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा कि आपको कौन सा एग्ज़ाम के लिए कौन सा बुक पढ़ना है और कौन सा चैनल फॉलो करना है, और मैंने कैसे कैसे टाइम टेबल बना करके वीकली टाइम टेबल या मंथली टाइम टेबल जो भी बोल सकते हैं वो फॉलो किया था। और उसी का रिजल्ट है कि मैं एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं एलपी का एग्ज़ाम को इजीली निकाल लिया। तो आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों अब तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाएगा इसलिए। और वैकेंसी का जहाँ तक बात है, तो आपका इस 2023 में एक्सपेक्टेड है कि वैकेंसी आएगा ही, क्योंकि आपका 4 ईयर्स में वैकेंसी आया है, तो इस साल भी देखने को मिल सकता है वैकेंसी। तो आप लोग अपना पूरा डेडिकेशन दिखाते रहिए और तैयारी करिए और जल्दी से इंडियन रेलवे में ज्वाइन करिए। और कहीं ना कहीं मुलाकात आप लोगों से होगा अगर मतलब आप ज्वाइनिंग कर लोगे तो मिलूँगा ज़रूर, अगर मेरे डिवीज़न में कोई अगर पोस्टेड होता है तो अभी बस शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको अपना टाइम टेबल के बारे में बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे टाइम टेबल बना करके पढ़ाई किया था और कैसे कैसे आप लोगों को पढ़ना है। टाइम टेबल अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि ये टाइम टेबल मेरे हिसाब से मैंने बनाया था। और अगर आपको कहीं भी लगता है कि कुछ मतलब उसमें चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको अभी टाइम टेबल अपना बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपका जो मैं डेली मेरा रूटीन था वो मैं सुबह उठता था, मतलब जल्दी उठ जाता था और सुबह मैं 8 से 10 बजे तक सेट प्रैक्टिस करता था। मेरा डेली एक सेट प्रैक्टिस करना ज़रूरी था, क्योंकि मैं रात में सोता था तो सुबह उठ करके मैं सबसे पहले सेट प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैं जो भी पढ़ा रहता था वो उस प्रीवियस डे का मतलब उससे पहले वाले दिन का जो भी पढ़ा रहता था वो उस दिन पूरा फ्रेश माइंड में मैं सेट प्रैक्टिस करता था, ताकि मुझे अपने आप को मतलब टेस्ट करना रहता था कि मेरा माइंड में कितना सारा कुछ याद है मुझे। तो इसलिए मैं सेट प्रैक्टिस करता था डेली। और उसके बाद 8 से 10 बजे के बाद सेट प्रैक्टिस करने के बाद उसी में मैं एनालिसिस भी कर लेता था। उसके बाद 10 से 11 बजे तक जो भी मेरे सेट में अगर कुछ नए क्वेश्चन आते थे और वो मेरा नहीं बनता था तो मैं उसे लिख लेता था एक कॉपी में, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करता था और उसका सॉल्यूशन ढूंढता था यूट्यूब चैनल से या कहीं से भी, और वो कंप्लीट कर लेता था सेम डे में, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो तो मैं इजीली सॉल्व कर लूँ। और उसके बाद 11:30 से 1 बजे तक मैं मैथ प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मैथ में क्या होता है कि थोड़ा अगर आपको नींद आ रहा हो तो आप मैथ प्रैक्टिस करेंगे और आपका मैथ इजली बनने लगता है तो आपका नींद ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो आप इसलिए उस टाइम को चुनिए जब आपको लगता है कि आलसपन है या फिर नींद आ रहा हो। तो मैथ में ऐसे ही होता है, अगर आपका मैथ जल्दी जल्दी बनेगा तो आपको इंटरेस्ट बहुत बढ़ने लगेगा, तो मैथ इसलिए मैं उस टाइम रखा था। और उसके बाद 1 से 3 बजे तक मैं रेस्ट करता था, और रेस्ट करने के बाद फिर 3 से 5 बजे तक मैं करंट अफेयर पढ़ता था। और करंट अफेयर पढ़ने के बाद मैं एक नोट्स कॉपी बनाया था, उसमें लिखता था कि डेली करंट अफेयर में क्या क्या क्वेश्चन आया है और कौन कौन चैनल को मैं फॉलो किया था वो भी बताऊँगा। तो ऐसा करके मैं करंट अफेयर को पढ़ता था। उसके बाद 7 से 8 बजे तक साइंस पढ़ता था, 5-6-7-2 आवर्स का रेस्ट देने के बाद 7 से 8 बजे तक साइंस पढ़ता था। साइंस 1 आवर सफिशेंट है। और 8 से 9:30 तक आपका जनरल नॉलेज पढ़ता था। तो जनरल नॉलेज में आपको मेनली लूसेंट या फिर बहुत सारे बुक अवेलेबल है मार्केट में, तो आपको जो अच्छा लगता है वो बुक फॉलो करिएगा आप लोग। और उसके बाद 9:30 बजे के बाद फिर मैं 10 से 11 बजे तक रात में रीजनिंग फॉलो मतलब प्रैक्टिस करता था। और रीजनिंग में आपका मैंने एक ही बुक फॉलो किया था, और जो भी मैं पढ़ाई किया था यूट्यूब चैनल से किया था, और जो भी सेट प्रैक्टिस करता था उससे क्वेश्चन नए नए आते थे तो वो मैं प्रैक्टिस करता था। तो और फिर 12 से 1 बजे तक पूरा रिवीजन करना, क्या एक दिन में क्या क्या पढ़ा है उस दिन सारा कुछ रिवीजन करिए, मतलब सब रिवीजन मतलब क्विक रिवीजन करिए, जैसे आपको जो याद है उसको नहीं करना है, जो याद नहीं हुआ है उसको रिवीजन करना है कि आज मैंने क्या क्या डाउट रहा उसका। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको अपना डेली मतलब टाइम टेबल शेयर किया हूँ, क्योंकि आपको आप अभी प्रिपरेशन स्टेज में हैं और वैकेंसी आएगा ही, और जिन भाइयों को भी लगता है कि वैकेंसी नहीं आएगा वो तैयारी छोड़ सकते हैं। जब वैकेंसी आएगा तब अपने आप लोग तैयारी करने लगेंगे,
तब आपको समझ में आएगा कि जो 2018 वाला वैकेंसी में जो कुछ नंबर से रह गया है उन लोगों का तो प्रिपरेशन बूस्ट हो ही गया होगा। फिर आपको उस समय आपको समझ में आएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है और मैं जैसे तैसे पढ़ के एग्ज़ाम में बैठूंगा और आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होगा तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो आपको गाइड कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तैयारी किया था। इसलिए उस टाइम को लेकर के मैं बता रहा हूँ कि आप अभी से सीरियस हो जाइए। और अभी जो मैं टाइम टेबल बताया हूँ वो CBT 1 को लेकर के बताया हूँ कि आपको CBT 1 में ऐसे ऐसे तैयारी करना है, तो आप मतलब इसी टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हैं या फिर अपना टाइम टेबल खुद बनाइए अपने हिसाब से कि आपको कितना घंटा पढ़ना है और कितना घंटा रेस्ट करना है और कब कब पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इस हिसाब से आप पढ़िए। और ये मेरा टाइम टेबल था CBT 1 के लिए। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सा बुक मैंने फॉलो किया था और क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट को कैसे मैं तैयारी किया था, कौन कौन सा यूट्यूब चैनल फॉलो किया था। तो अभी देखिए, सबसे पहले रहूँ और मैं कौन कौन सा यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो मैं बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैथ के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि RS अग्रवाल और सागिर अहमद और स्पीडी का, और ऑनलाइन मैं यूट्यूब चैनल फॉलो किया था वाईफाई स्टडी का, साहिल सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाए थे और उनको फॉलो करते साथ साथ मैंने बहुत सारा और भी चैनल फॉलो किया था। जो भी मुझे डाउट रहता था वो मैं यूट्यूब में सर्च करता था, जैसे बोटन स्ट्रीम का, तो उसका क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते थे और जो भी मुझे अच्छा लगता था कॉन्सेप्ट मैं अपने नोट्स बुक में लिख लेता था। तो आप अपने हिसाब से चैनल को फॉलो करिएगा। मैं वाईफाई स्टडी को किया था और साहिल सर का प्रीवियस ईयर का नोट्स आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। तो मैथ के लिए आप इतना मतलब फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर में क्या होता है। करंट अफेयर में आपका न्यूज़पेपर से मैं डेली पढ़ता था, न्यूज़पेपर में मुझे जो भी इम्पोर्टेंट लगता था वो मैं नोट्स बुक में लिख लेता था अपने। और उसके बाद आपका भुवनेश सर जो पढ़ाते थे डेली, वो मतलब हर डे का अलग अलग करंट अफेयर बताते थे हर फील्ड से, तो वो मैं लिखता था अपने कॉपी में, इससे मेरा एक नोट्स तैयार हो रहा था अच्छा। और उसके बाद टेक्निकल महात्मा जी को मैं फॉलो किया था। और उसके बाद फिर स्पीडी का 1 ईयर का जो पूरा आता है करंट अफेयर उसको फॉलो कर सकते हैं आप। और क्रेजी GK ट्रिक एक चैनल है, बहुत ही अच्छा चैनल है, इसमें से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मैं तैयारी किया था क्योंकि इसमें बहुत शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं तो आपको इजीली याद हो जाएगा, ये चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। और अब बात करते हैं साइंस में आपका लूसेंट और स्पीडी और ऑनलाइन में प्रैक्टिस सेट, मतलब प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा लगाता था क्योंकि बहुत सारे नए नए क्वेश्चन आते थे साइंस में, तो इससे मेरा मतलब प्रिपरेशन बूस्ट हो रहा था और नए नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का ये फ़ायदा हुआ था कि एग्ज़ाम में वैसा ही क्वेश्चन देखने को मिला था। तो आप उसमें ऐसे ऐसे साइंस का तैयारी कर सकते हैं और बायोकेमिस्ट्री साइंस कुछ भी आप न्यू क्वेश्चन जो भी मिलता है आप अपने नोटबुक में इजली लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप लिखेंगे और वो क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा नेक्स्ट टाइम तो आप ज़िंदगी भर उसे भूलेंगे नहीं, मतलब एग्ज़ाम तक आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो इस तरीक़ा से मैंने साइंस का प्रिपरेशन किया था और क्रेजी जी के ट्रिक को चैनल को मैं फॉलो किया था साइंस के लिए। और बहुत सारे चैनल जो भी मुझे डाउट रहता था ऐसे वाईफाई स्टडी में सिप्रा मैम को मैं फॉलो किया था, तो ऐसा करके मैं तैयारी किया था साइंस का। बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने सिर्फ आर्यन पब्लिकेशन का बुक को फॉलो किया था और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में मैं सर्च करते रहता था कि जो भी मुझे डाउट रहता था उसका कॉन्सेप्ट निकालता था, जैसे डाइस का कॉन्सेप्ट निकालते थे, फिर एज प्रॉब्लम का, फिर जा कर के मतलब आपका बहुत सारा अल्फा न्यूमेरिक वाला जो ट्रिक रहता है उसको मैं बनाया था, फिर आपका मतलब ईयर मतलब कैलकुलेशन वाला आता था उसको मैंने यूट्यूब से खोज करके अपना शॉर्ट्स नोट बनाया था। तो ऐसा करके आप अपना मतलब खोजते रहिए यूट्यूब में, आपको बहुत ही अच्छा अच्छा कॉन्सेप्चुअल मिल जाएगा और आप इजली उसको लिख लेंगे तो आपका एक नोट्स बन जाएगा। बात करते हैं मतलब जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के लिए मैंने लूसेंट, स्पीडी और प्लेटफॉर्म का और बहुत सारे मिक्स करके मैं पढ़ाई किया था, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जनरल नॉलेज क्या है कि इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा बुक सही लगता है। मैंने आपको बता दिया स्पीडी का और लूसेंट पब्लिकेशन और बहुत सारे मतलब ये को मिक्स करके मैं पढ़ा था। और जो क्रेजी जीके ट्रिक है उससे भी आप पढ़ सकते हैं चैनल, उसको फॉलो करके, तो आप उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको ईजिली मिल जाएंगे। और फिर जा करके आपको क्या करना है कि जनरल नॉलेज का सेट प्रैक्टिस करते टाइम
आप मतलब मैक्सिमम जो नए नए क्वेश्चन आएंगे वो लिख लीजिएगा, आपका प्रैक्टिस इजली मतलब लिखने के बाद क्या होगा कि आपके पास एक क्वेश्चन बैंक बनेगा। और हर सब्जेक्ट का मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बैंक बनाया था, जो भी क्वेश्चन मुझे डाउट रहता था, तो ऐसे करने से क्या होता है कि आपके पास क्वेश्चन भी रहेंगे और रिपीट होने से आपको याद भी हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने सारा कुछ प्रैक्टिस किया था और अपना फॉलो किया था। और फ्रेंड्स देखिए, मैं जो भी डिस्कस किया हूँ CBT 1 का एग्ज़ाम को लेकर के किया हूँ, टाइम टेबल भी, और मतलब जो भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैनल मैंने फॉलो किया था, तो उस हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें से आपको कुछ भी हेल्पफुल लगता है और आप उसको अपने एम ए प्रिपरेशन में स्ट्रेटेजी में इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अपने हिसाब से आप कुछ भी उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसलिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब ALP का अगर वैकेंसी जल्दी आता है तो आपका प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगा। और मेरे चैनल में जो भी ALP और टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं चैनल को बनाया हूँ। तो आप लोग का सिलेक्शन अगर हो जाता है मैक्सिमम लोगों का मेरे चैनल के, जो भी एस्पिरेंट है ALP या टेक्नीशियन के, तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ नहीं होगा। और आपका मोस्ट वेलकम मैं करूँगा कि इंडियन रेल में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा और आपका जो ड्रीम है वो मतलब ट्रेन चलाने का, वो भी ड्रीम पूरा होगा। तो आप अपना ये देख लीजिए और अपना तैयारी को बूस्ट करिए, क्योंकि अभी सीरियस होने का टाइम है, और तैयारी करते रहिए तभी आप एक दिन मतलब अपने जो ड्रीम है उसको ड्रीम को पूरा कर पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर करिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, मैं आपका आंसर दूंगा। और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी एंड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जय हिंद, जय भारत।